तो आपका लेट्स हमारे गो। चैनल कोर्स गेमिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल दे सकें। दोस्तों, आज हम रश करने के लिए पहले प्लाजा जा रहे थे, लेकिन जो हमारा टीम मेट था उसकी टाइमिंग इतनी गंदी थी कि मेरी जब मैं नॉक होते होते बचा और जब उन्होंने मुझे पहले प्लाजा उतारा तो मेरी आधी हेल्थ हो चुकी थी। क्योंकि आज का मैच मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना खेल कर रेंडम ही खेल रहा था, तो उनकी टाइमिंग का तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी चलो हम फटाफट अपनी लूट कंप्लीट करने लगते हैं। और आज का मैच जैसा कि आपने देख लिया होगा, AKM+X पे बेस है, तो मैं फटाफट गन ढूंढने लगता हूँ और अपनी लूट कंप्लीट करने के लिए, और मुझे फाइनली AKM गन मिल जाती है। दोस्तों, AKM गन मिल जाती है, तो AKM गन बहुत ही मोस्ट पावरफुल गन है और 6X के साथ तो उसका बहुत ही मज़ा आ जाता है। और जब से ये हेल फायर AKM स्किन आई है, जिसका किल मैसेज भी आता है, तो उसके साथ इसको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि तो इसका डैमेज भी कुछ हद तक बढ़ जाता है और इसका जो किल मैसेज आता है वह भी बड़ा ओपी और औसम लगता है। तो अगर आपने ये आपको ये नहीं पता हो कि भाई हेल फायर AKM कैसे ले सकते हैं, तो आई बटन में आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बताया हमने कि हेल फायर AKM आप कैसे ले सकते हैं, तो आप वह देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो। दोस्तों, मैं फटाफट AKM लेके, मुझे 3X मिला था अभी, तो 3X लगा के फटाफट अपनी लोड कंप्लीट कर रहा था, तभी मुझे एक कार दिखाई देती है, मेराडो का, जो इसमें बंदा हमारे बंदों पर रश करने आया था। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ और उसको फटाफट AKM के स्प्रे से ऑफ कर देता हूँ। मतलब AKM का स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि 4 गोलियाँ और बंदा नॉक हो जाता है, और उसका किल मैसेज तो आपने देख ही दिया है। फिर हम फटाफट AKM से उसको किल करने के बाद, वैसे हमें AKM और S12 के मिल चुकी है तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो मैं फटाफट लूट कंप्लीट करने लग जाता हूँ, अपनी लूट कंप्लीट करने लग जाता हूँ। और तभी जोन भी आ जाता है और जो हमारे टीम मेट थे वह गाड़ी लेके निकल चुके हैं, तो मुझे जोन में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो मैं फटाफट जोन की तरफ निकल पड़ता हूँ कि जोन में जाना जरूरी है दोस्तों, जोन की तरफ निकल पड़ता हूँ दोस्तों और जल्दी से आगे बढ़ने लगता हूँ। हमारे दोस्तों का अभी मुझे सरकारी मैडम मिलता है, तो उसे फटाफट नॉक कर देता हूँ। ये देखिए किल मैसेज कितना ओपी लग रहा है, और मैं फटाफट इसको नॉक कर देता हूँ और हमारे 2 किल कम्प्लीट हो जाते हैं। फिर लास्ट जोन, क्योंकि लास्ट जोन आ चुका है तो जोन भी काटेगा, इसलिए मुझे फटाफट आगे जाना है ताकि मैं सेफ जोन में हो सकूँ। हमें 6X मिल चुका है तो मैं उसको 3X बना लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि AKM वैसे तो यूज़ करने में बहुत अच्छी है और इसको मिड शॉर्ट रेंज में यूज़ करो तो बहुत ही पावरफुल गन है, लेकिन इसको लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, और 6X के साथ तो इसका रिकॉइल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको आप 3X बना के भी आपका रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसको 3X हमने बना लिया और हम फटाफट सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं, तभी हमें मुझे हमारे बंदे मिल जाते हैं और मैं किसी एनिमी से फाइट कर रहे हैं, तो मैं फटाफट AKM का स्प्रे ला करके उसको किल कर देता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हुई है, देखिए कारें कितनी खड़ी है दोस्तों, 3 कार यहाँ पे खड़ी है और तीनों कारें हमारे बंदों ने उनको किल कर दिया है। फिर मैं एक पेटी पड़ी होती है उसको फटाफट लूट लेता हूँ, फिर लूट कम्प्लीट करके कार लेके सेफ जोन की ओर निकलता हूँ, क्योंकि हमारे टीम मेट आगे जा चुके होते हैं। और वैसे तो ये गेम हम सोलो ही खेलते हैं एक तरह से, क्योंकि वो अलग चल रहे हैं और मैं अलग ही चल रहा हूँ। फटाफट सेफ जोन की तरफ जाने लगता हूँ मैं टीम मेट के पास, अभी मुझे उसके ऊपर कोई बंदा रश कर रहा है तो मैं वहाँ रोक लेता हूँ, फिर मैं उसे किल कर देता है, तो मतलब वह उसे किल कर देता है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, सामने से मुझे एक कार आती हुई दिखाई देती है जो हमारे बंदे को फायर कर रहे हैं, तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे सामने से एक कार आती हुई दिखाई दे जाती है, तो मैं फटाफट उसे AKM के स्प्रे से ब्लास्ट करना चाहता हूँ, तो वह काफ़ी हद तक तो डैमेज हो जाती है, लेकिन वह फटाफट हमारी जब तक गन रिलोड होती है वह फटाफट उस कार को घर ले जाता है, लेकिन फाइनली हम उसको ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन जो बंदा था वह तो सामने वाले घर में चल जाता है, मैं फटाफट उसके साथ ब्लास्ट करता हूँ, तभी रेड जोन से बाल बाल फंसते हैं, नहीं तो यहाँ पर ही हमारा किल हो सकता है। मैं फटाफट उस पर नेट करके रश कर देता हूँ, लेकिन ऊपर से भी एक नेट आता है तो हम वेट कर लेते हैं, उस बंदे ने ऊपर से नेट किया, तो मैं वेट करके फटाफट उस पर रश करने चल जाता हूँ। और सामने अंदर वाले घर में देखता हूँ तो बंदा यहाँ पर नहीं होता है, मैं समझ जाता हूँ या तो वह सीढ़ी पर बैठा होगा या ऊपर की तरफ होगा, तो मैं फटाफट धीरे से जाके करता हूँ, तो मुझे बंदा दिखाई देता है, तो मैं उसे
S12K के दो कटकों से हेल्प कर देते हैं। फाइनली हमारे 3 किल हो जाते हैं। ये बंदा जो था, ये प्लेयर वगैरह सब चला के लूट के आया था दोस्तों। फिर मैं फटाफट हमारे टीममेट के पास जाना चाहता हूँ। अब हेल्थ बढ़ा के मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ, तो हमारे 2 बंदे किल हो चुके हैं। हम 2 ही बंदे बचे हैं, तो हमारा एक टीममेट भी पता नहीं कहाँ है। मैं फटाफट अकेले ही रश करने निकल पड़ता हूँ, क्योंकि 3 ही बंदे बचे हैं। तो मैं फटाफट देखने लगता हूँ, तो हमारा टीममेट हमें दिख जाता है। हमें लगता है कि वहाँ पे ही दूसरा एनिमी भी होना चाहिए। मुझे सामने से एनिमी भागता हुआ दिखाई देता है, तो मैं फटाफट एक एम का स्प्रे देता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको बताया, एक एम का रिकॉल ज़्यादा होने के कारण मैं उसे खेल नहीं कर पाता हूँ। तो मैं फटाफट, वह भी बहुत अच्छा स्प्रे दे रहा था, तो मैं फटाफट स्प्रे का सपोर्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे स्मोक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओनली 2 ही बंदे बचे हैं, मैं उसे आगे जाके किल करने लग जाता हूँ। वो आगे वाले पेड़ के पास खड़ा था, तो फिर मैं उसे स्मोक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो ये चट्टान होती है, इसका सहारा ले लेता हूँ, इसका सपोर्ट लेके। तभी वो मुझे बहुत खतरनाक वाला स्प्रे देते और मैं फटाफट अपनी हेल्थ कवर करता हूँ ताकि उन बंदों को नॉक कर सकूँ। तो देखता हूँ कि दोनों बंदे उन पर रश करने आ रहे, तो मैं फटाफट एक एम से नॉक कर देता हूँ। और दूसरा बंदा जो उसको रिवाइव दे रहा था, उसको S12K से हेल्प कर देता हूँ। और इस तरह हमारा अमेजिंग चिकन डिनर हो जाता है। तो दोस्तों, आज का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और एक एम प्लस एक्स एक्स का मोस्ट पावरफुल गन है दोस्तों, और इसको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। जब से ये हेल्प है इसके, मैं ये यूज़ करने का मज़ा और बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।